नोएडा आगरा ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाली 24 साल की लड़की से कार में गैंगरेप करने वाले दो आरोपी रविवार को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जब इन आरोपियों ने सामने कैमरे देखे तो अपने चेहरे छिपाते हुए नजर आए। इन आरोपियों ने शनिवार शाम को लड़की के साथ तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जब वह ग्रेटर नोएडा से अपने घर मथुरा जाने के लिए उनकी कार में बैठ गई थी। आरोपियों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर गैंगरेप किया। टू मेन अरेस्टेड आफ्टर अ वुमन हु वाज नोन टू वन ऑफ देम अक्यूज्ड देम ऑफ रेपिंग हर इन देयर कार ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। द गर्ल अलेज्ड दैट द मैन ऑफर्ड टू ड्रॉप हर इन मथुरा व्हेन शी वाज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर ऑफिस इन नोएडा एंड रेप्ड हर ऑन द वे पिक डॉट ट्विटर डॉट कॉम स्लैश @ साल की पीड़िता ने बीते शनिवार को दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखवाया था कि जब वह अपने घर के लिए जा रही थी तब उसे कार सवार 28 साल के सलमान मलिक ने लिफ्ट ऑफर की। लड़की ने बताया कि वह सलमान को पहले से जानती थी, इसलिए उसके साथ कार में बैठ गई, लेकिन वह दूसरे आरोपी को नहीं जानती थी। सलमान के साथ कार में उसका साथी 26 साल का साजिद बैठा हुआ था। पीड़ित लड़की ने बताया कि वे उसे यमुना एक्सप्रेसवे पर ले गए और बीच रास्ते में दोनों उसके साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेना चाहेगी। इनपुट एजेंसी।